सेवक को पौ किछ नाही, तेरे सेवक को पौ किछ नाही, जमना आवे निरे मेरे नाम राय। तो संता का संत तेरे, ये जितना संतों के साथ लगे रहोगे ना महाराज, ये यम भी दर्शन नहीं दे पाएगा, ये काल भी आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए समय रहते किसी सदगुरु की चरण शरण ले लो, बड़ी महिमा है संतों की, बड़ी महिमा। मेरे राम राय। और एक बात और ध्यान रखो, जब सत्संग में बैठो ना तो ऐसे बैठो जैसे मैं बैठा हूं। ये जो लोग ऐसे करके बैठे ना, कभी ऐसे करके इस आसन में कथा में नहीं बैठना चाहिए, थोड़ा सीख लो कुछ चीजें जुड़ी हैं, क्योंकि कथा प्रसाद है। ध्यान दीजिएगा, भगवान की वाणी से बड़ा इस संसार में कोई प्रसाद नहीं है, कोई प्रसाद नहीं। और जब देखो आपको प्रसाद मिलता है, आप कैसे लेते हो? बिल्कुल, देखो बच्चे उत्तर दे रहे हैं, प्रसाद मिलेगा कैसे लोगे, ऐसे लेते हो ना। तो ये वाणी रूपी प्रसाद है, और जब प्रभु की वाणी रूपी अमृत रूपी प्रसाद मिल रहा हो तो कैसे लेना चाहिए? यूं बैठ के लोगे, ऐसे बैठे ताकि प्रभु जब लुटाएं खूब भर भर के जाओ महाराज। मेरे राम राय, तू संता का संत तेरे, तेरे सेवक को पौ किछ नाही। गालियां करो इनको, गालियां दो बाब, आप भी गाया करो साथ में महाराज। तेरे सेवक को पौ किछ नाही, पौ किछ नाही, जमना आवे निरे मेरे राम राये। तू संता का संत तेरे, मेरे राम राये, तू संता का संत तेरे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए तो नाशत विघ्न यने, इनके पद वंदन किए तो नाशत विघ्न यने। इसलिए देखो मंजिल अनंत जन्मों की प्रभु की प्राप्ति करना है, श्री कृष्ण लक्ष्य है, लेकिन उनकी जो डगर है वो ऐसी है कभी देखी नहीं, उबड़ खाबड़ है, रास्ता कैसे पता नहीं। अकेले आप लोग चलते हो तो डर है भटक ना जाओ, पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे कोई पक्का पता नहीं है। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जिसने पहले इस डगर को देखा है, जिसने पहले कभी प्रभु को पाया है, उनको लुभाया है, उनसे लाड़ लड़ाया है, जो पहले अनेकों अनेक बार इस डगर से गुजरा है, किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे आप चल देते हो, किसी ऐसे व्यक्ति का हाथ आप पकड़ लेते हो, तो एक बात निश्चित है कि देर सवेर आप पहुंच जाओगे। तो भगवान की डगर का जानकार कौन है, कृष्ण की डगर का जानकार कौन है? उनका कोई संत है, उनका कोई महात्मा है, उनका कोई साधु है, उनका कोई भक्त है? आप केवल इतना काम कीजिए, उस भक्त के पीछे पीछे चल दीजिए, केवल उस भक्त का हाथ पकड़ लीजिए, उसके पीछे पीछे चलोगे, एक बात निश्चित है, भक्त ही है जो आपको पहुंचाएगा, संत ही है जो एक दिन आपको पहुंचा देगा। एक दृढ़ भरोसा करके चलिए उनके पीछे, एक दृढ़ भरोसा करके। इसलिए संत मिले तो संत सेवा कीजिए, सेवा करने से मन वृत्ति शुद्ध हो जाएगी, मन पावन हो जाएगा, और ये मन प्रभु के काबिल हो जाएगा। वृंदावन में जाइए, अनेक अनेक संत महात्मा ऐसे, और ये भी ध्यान कि सेवा जब कीजिए सेवा थोड़ी गुप्त कीजिए। कई बार कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिनके पीछे कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है। अक्सर अक्सर तो लोग क्या करते हैं, सेवा भी इसलिए की जाती है कि पुण्य मिलेगा, पुण्य इकट्ठा करने के लिए सेवा की जाती है महाराज। लेकिन कुछ काम ऐसे कीजिए जिसके पीछे कोई कारण नहीं। आप यहां आए झाड़ू पहार कर रहे हो इसलिए नहीं कि मुझे ये करने से पुण्य मिल जाएगा, आप वस्त्र दान दे रहे हो, अन्न दान कर रहे हो इसलिए नहीं कि पुण्य मिलेगा, इसलिए बस कोई नहीं, मुझे आनंद मिलता है,
मेरे मन चित्तवृत्ति को शांति मिलती है, मुझे आनंद। स्वतः सुखाए, अपने अंतर आत्मा के सुख के लिए कुछ कीजिए, उसके लिए कुछ करें। एक नगर में एक सेठ दान दिया करते थे हर रोज, कभी वस्त्र दान, कभी अन्न दान, कभी कुछ दान, कभी कुछ दान। लेकिन जिस वक्त कुछ दिया करते थे तो उनके दोनों नेत्र झुके रहते थे, कभी छाती ठोक कर सर उठाकर दान नहीं दिया। दान देते वक्त में सेठ के नेत्र नीचे होते थे। तो एक दिन एक व्यक्ति ने पूछ लिया, बोले महाराज हमने बहुत देखे दान देने वाले लोग, तो अपना नाम करने के लिए छाती ठोक कर छाती उठाकर बड़े अहंकार से दान देते। बोले हमने दिया, हमने दिया, लेकिन हम आपको देखते हैं हर रोज आंखें नीचे रहती हैं आपकी, सर झुका रहता है, क्यों? बोले इतनी बात सुनी तो सेठ रो पड़ा और सेठ ने कहा, बोले प्यारे देनहार कोई और है। बोले मैं देने वाला हूं ही नहीं, देने वाला तो मेरा गोविंद है, मेरा परमात्मा है, और दिन रात दे रहा है, दिन रात दे रहा है। मैं मांगता जा रहा हूं वो देता जा रहा है, मेरे मांगने में कमी नहीं आ रही और उसके देने में कमी नहीं आ रही, वो दिन रात लुटा रहा है। देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, और लोग भरम हम पर करें ताते नीचे नैन। बोले देने वाले मेरे ठाकुर जी हैं और उनका कोई नाम ही नहीं जानता। बोले वो मुझे दे रहे हैं दिन रात और मैं उनका दिया हूं आगे बांट देता हूं, और लोगों को ये भ्रम हो गया है कि मैं दे रहा हूं। इसलिए ध्यान रखिएगा, सेवा बड़ी संभल कर करनी चाहिए। बोले इतनी गुप्त सेवा करनी चाहिए, इतनी गुप्त सेवा करनी चाहिए कि ये हाथ दे तो इस हाथ को भी पता ना चले। अच्छा एक बात ध्यान रखिए कि मान लीजिए आपने कोई सेवा की, आपने कोई योगदान किया, आपने कोई भंडारा लगाया, आपने यहाँ व्यवस्था में कोई काम कर दिया, आपने चलते हुए किसी बच्चों के लिए एजुकेशन का प्रबंध कर दिया, किसी भूखे को अन्न दे दिया, वस्त्र दे दिया, आपने खूब सेवा की, भगवान के मंदिर में जाकर सेवा की, गुरुद्वारे जाकर सेवा की, लेकिन आपकी सेवा भगवान ने स्वीकार कर ली, इस बात का आपको कैसे पता चलेगा? आपने सेवा तो बहुत की, बहुत अच्छे तरीके से सेवा की, लेकिन आपकी सेवा भगवान स्वीकार कर रहे हैं इस बात की जानकारी आपको कैसे मिलेगी? इसकी कसौटी क्या है? बोले इसकी एक ही कसौटी है, पहली कि जो आपने सेवा की वो आपको भूल ही जाए तो समझना प्रभु ने आपकी सेवा को स्वीकार किया, अन्यथा वो सेवा तो संसार स्वीकार कर रहा है, भगवान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे इसका पता नहीं है। लेकिन जिस दिन की हुई सेवा को आप भूल जाइए, और महाराज बहुत ऐसे लोग हैं इस संसार में जिनको याद ही नहीं है, जो भूल गए तो समझ लेना ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया। या फिर ऐसा भाव जागृत हो जाए कि कोई पूछ ले, बोले भैया हमने सुना था आपने इतना इतना दान दिया। बोले नहीं नहीं मेरी औकात क्या देने की, मेरे ठाकुर जी ने दिया। फिर आप करता ना रहो, अगर याद भी है आप कर्ता का भाव छोड़ दो कि कर्ण करावन आपको, आप करने वाले तो मेरा गोविंद है, वो दिन रात कर रहा है, वो मेरे हाथों से दे रहा है, मैं कौन हूं, मेरी क्या औकात, मैं दीनहीन किसी काबिल नहीं हूं, कृष्ण करते हैं वो करवा देते हैं। बस सेवा ऐसी हो बड़ी गुप्त, किसी को खबर ना लगे। हमारे वृंदावन में परिक्रमा मार्ग पर 12 घाट है, वहां पर एक संत रहा करते थे, उनका नाम था संत दास जी, नाम ही था संत दास, जम्मू के रहने वाले थे, फिर वृंदावन में आए और वृंदावन में आकर राधा वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित हुए। लेकिन बाबा को एक ही बात का बड़ा भाव था, मुझे संतों की सेवा करनी है। और सेवा के लिए क्या करते थे महाराज, 10-12 गांव में जाते थे भिक्षा करने के लिए, और 10-12 गांवों से आटा इकट्ठा करके लेकर आना, और जितना आटा इकट्ठा होना उसके खूब टिक्कड़ बनाने, खूब रोटी बनानी, कुछ ना कुछ भात साथ में बनाना, और खूब संतों की सेवा करना, बड़े भाव से संतों को बिठाना, और खूब शाम तक संत सेवा चलती रहती थी। जब सभी संत भोजन प्रसादी ले जाते, भोजन कर लेते, उसके बाद संत दास जी भोजन किया करते थे। ये नित्य का कर्म था उनका, क्योंकि जो संत सेवा में सुख मिलता है यकीन कीजिए संसार की किसी व्यवस्था में सुख नहीं मिलता। खूब सेवा करनी संत दास जी ने, खूब भिक्षा लेकर आनी, और हर रोज का नियम था इतने गांवों में घूमकर आना, वापिस आकर अपने हाथों से भोजन बनाना, ये भी नहीं किसी से करवाना, खुद भोजन बनाना, खुद संतों को बुलाना, उनकी पंगत बिठानी, अपने हाथों से सारी सेवा करनी, अपने हाथों से उनकी जूठी पत्तल उठानी, उनकी सीध प्रसादी लेनी, संत दास जी का नियम था।
हर रोज संत सेवा करनी, हर रोज संत सेवा करनी। ये बात समझ लीजिए, अपने घर में भी आदत डाल लीजिए, हर रोज ठाकुर जी को भोग लगा के जो भगवान भोग लगाए उस उसकी जूठन खाना, वो अमृत है महाराज, उसे खाने की आदत डालिए। कई बार लोग प्रश्न करते हैं, बोले आप कहते हैं हर रोज भगवान को भोग लगाइए, लेकिन क्या भगवान भोग लगाते? इतने वर्ष बीत गए, अच्छा ये बताओ कौन कौन भोग लगाता है ठाकुर जी को? वाह ये तो बहुत बढ़िया। अच्छा चलो जो प्रश्न चला है, कई बार लोग प्रश्न करते हैं हम तो हर रोज भोग लगाते हैं, वर्षों बीत गए लेकिन हमने आज तक देखा नहीं कि कभी माखन कम हुआ हो, मिश्री कम हुई हो या सब्जी रोटी कम हुई हो। आप में भी कई लोगों का ये प्रश्न हो सकता है कि हर रोज हमारा नियम है ठाकुर जी के सामने भोग अर्पण करना, लेकिन हमने देखा नहीं प्रभु ने स्वीकार किया। देखो अगर आपके मन में ये प्रश्न हो तो एक बात ध्यान रखिए, किसी बाग में जाइए, आपने देखा होगा बाग में जहां बड़े सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए हैं, जहां सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, उन फूलों पर कौन मंडराते हैं? काले भंवरे। देखे ना उन फूलों पर कौन मंडराता है? काले भंवरे। किस लिए बैठते हैं वो फूलों पर? फूलों का मकरंद लेने के लिए। काले भंवरे क्या करते हैं? फूलों का रस लेते हैं। लेकिन कभी नोट कीजिए, काले भंवरों के आने से पहले पुष्प को ध्यान से देखिए, पुष्प की आकृति देखिए, पुष्प की खूबसूरती देखिए, उसकी महक देखिए, उसका भार भी नोट कर लीजिए, करके देखिएगा। काला भंवरा आया, उसने रस लिया और रस लेकर चला गया। रस ले जाने के बाद पुष्प को देखिए, उसकी आकृति में कोई अंतर नहीं आएगा, उसकी खूबसूरती में कोई अंतर नहीं आएगा, उसकी महक में कोई अंतर नहीं आएगा, और भार भी नोट कर लीजिएगा, उसके भार में भी कोई अंतर नहीं आएगा। जबकि काला भंवरा आया और पुष्प का रस लेकर चला गया। हो सकता है इसी प्रकार से अनेकों वर्ष बीत गए हो ठाकुर जी को भोग लगाते लगाते, हो सकता है आपका माखन कम ना हुआ हो, मिश्री कम ना हुई हो, आपकी रोटी सब्जी कम ना हुई हो, लेकिन क्या कवर काले भंवरे की तरह काले कृष्ण भी आकर आपका भोग लगाकर चले जाते हो और आपको खबर भी ना लगती हो। लेकिन यह निश्चित है कि प्रभु आते हैं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, आप मीरा के जैसे बुलाते नहीं, आप मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, 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 बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, 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 माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। इसलिए सेवा कीजिए। संत दास जी महाराज हर रोज 10-12 गांव में जाकर आटा इकट्ठा कर कर लेकर फिर अपने हाथों से बना रहे। देखो सेवा दूसरे से करवानी नहीं, खुद कीजिए अपने हाथों से। अगर प्रभु ने समर्थ दे रखा है शरीर में, तन में, मन में और अपने घर का भी ऐसा ऐश्वर्य है तो जरूर करो सेवा। संत दास जी 10-12 गांव में जाना नित्य प्रति, हर रोज का नियम, एक दिन का नियम नहीं,
सांझ तक भोजन नहीं करते थे, जब तक संत महात्मा को भोजन ना करवा दे, प्रसादी ना पवा दे, तृप्ति मन की नहीं होती थी। संत करके चले जाते, उनकी उछिट लेते, उनकी सिद्ध प्रसादी लेते, फिर खुद भोजन करते, और बड़ी दूर दूर तक महिमा फैल गई उनकी, संत दास जी की सेवा की। तो बोले ये महिमा सुनी किसने? चित्रकूट में एक संत रहते थे, श्री जगदेव जी महाराज। जगदेव जी ने महिमा सुनी संत दास जी की, तो मन, और जगदेव जी बहुत बड़े सेवी थे, वो भी संतों की महात्माओं की खूब सेवा किया करते थे, उनका भी चित्रकूट में बहुत नाम था। लेकिन फिर मन हुआ, जब संत दास जी की महिमा सुनी जगदेव जी ने, बोले वृंदावन चलता हूं और उनका दर्शन करके आऊं। जब ऐसे किसी संत का दर्शन करने से ही जन्म जन्मांतरों के पाप भस्मीभूत होते जाते हैं महाराज। और जगदेव जी चले पैदल यात्रा करते करते वृंदावन आए संत दास जी का दर्शन करने के लिए, लेकिन पहचान तो थी नहीं, अब मोबाइल तो थे नहीं कि फोटो सेंड कर दी जाए, देख लिया जाए। और मैं आपको एक सच्ची बात कहूं कि अगर मोबाइल होते तो फिर सेवा भी ना होती। ये मोबाइल तो हर कनेक्शन, जिस मोबाइल ने आज के रिश्तों को खत्म कर दिया महाराज, वो भगवान के साथ रिश्ता कैसे बनाने के लिए आपको बिठा सकता है। इसलिए अगर यहां पर आना हो ना, ये 5 दिन के इस यात्रा में सम्मिलित होना हो, इस भाव में सम्मिलित होना हो, तो पहले संसार का कनेक्शन थोड़ा खत्म करके फिर आइए हर्ष उल्लास से भरे हुए कुछ पाने के लिए। जगदेव जी आए वृंदावन में संत दास जी का दर्शन करने के लिए, पहचान तो कोई थी नहीं, लेकिन ललक बहुत थी कि संत दास जी का दर्शन करना है। पूछते पछाते मदन टेर पर पहुंच गए। अब लोगों से पूछ रहे, बोले भैया संत दास जी किधर? बोले इशारा कर दे, बोले महाराज परिक्रमा मार्ग पर जाइए इधर से होते हुए। तो करते करते बोले आज बाबा मदन टेर की ओर कहीं चले गए होंगे। फिर पूछते पूछते पहुंच गए मदन टेर पर। अब कई लोगों से पूछा तो बोले फिर सामने से एक बहुत वृद्ध से पुरुष नजर आए थे, जिनके एक कंधे पर बहनी थी, बहंगी होती है ना वो, जैसे श्रवण के कंधे पर, तो उसमें मठे की मटकियां रखी हुई थी एक कंधे पर, और सर पर कुछ मटकियां जल की भरकर रखी हुई थी बाबा ने, और एक हाथ से एक गठड़ी सी घसीटते हुए आ रहे थे सेवा करते करते। अगर जगदेव जी पहुंचे तो उन महात्मन से पूछा, बोले महाराज मुझे संत दास जी का दर्शन करना है। और जैसे जगदेव जी को देखा उस बूढ़े बाबा ने, बोले महाराज संत दास जी का दर्शन कर लियो, अभी थोड़ी देर में हो जाएगा, महाराज थोड़ा व्यस्त होंगे, आप बैठिए। कहां से आए? तो अपने मटकियां रखी, जल का मटकी रखी, जो सामान था वो एक तरफ रख के, तो वो बाबा जो बूढ़े थे सामने पूछा, बोले बाबा आप कहां से आयो? बोले चित्रकूट से आयो। कि काहे के लिए? बोले संत दास जी का दर्शन करने के लिए। ठीक है बाबा, बड़ी दूर से आए हैं, थोड़ा बैठ जाइए, थोड़ा जलपान कर लीजिए। बोले जलपान नहीं करेंगे जब तक संत दास जी का दर्शन नहीं होगा। बोले बाबा ऐसी जिद क्यों करते हैं? संत दास जी का दर्शन भी हो जाएगा, थोड़ी हमें भी सेवा का मौका दे दीजिए। आप जैसा दिव्यतम पुरुष वृंदावन में आया है, आप जैसा संत यहाँ आया है, थोड़ी हमें सेवा करने का मौका मिल जाएगा। तो उनके प्रेम को देखकर जगदेव जी वहीं विश्राम कर लिए, वहीं बैठ गए। तो मटकी से मठा निकाला, वो पिलाया, कुछ और सेवा करने लगे। बोले बोले बस हो गया भैया, तेरे प्रेम के कारण पी लियो, अब संत दास जी का दर्शन करवा दियो। बोले बाबा थोड़ी देर रुकिए ना, बाबा का दर्शन भी कर लेना, थोड़ा हमें सौभाग्य मिला है आपके चरण सेवा करने का, क्यों वंचित कर रहे हो? और उनके भाव को देखकर बाबा के, तो जगदेव जी को भी दया आ गई। बोले ठीक है प्यारे। बोले देखो बाबा, धूप भी है, पेड़ की छैया है, यहाँ विश्राम कर लो, थोड़ा विश्राम कर लोगे, थके हारे आए हो, फिर बाबा भागे थोड़ी ना जा रहे हैं, संत दास जी को बुला लेंगे, दर्शन हो जाएगा। तो लेट गए। बोले ठीक है, तू कहता है लेकिन थोड़ी देर विश्राम करूंगा। अब विश्राम करने लगे तो बूढ़े बाबा चरण दबाने लगे। बोले ये क्या करते हो? बोले महाराज बड़ी करुणा हुई आज सरकार की, हमारी राधा रानी जी की, आप जैसे संत आए हैं तो थोड़ा चरण सेवा कर लेने दो। तो बाबा चरण सेवा कर, अब रोक भी ना पाए, ऐसा प्रेम में जकड़ लिया बूढ़े बाबा ने कि जगदेव जी रोक नहीं पाए, और वो चरण सेवा कर रहे हैं, बड़ा आनंद मिल रहा है। तो इतने में बहुत सारे संत महात्मा आ रहे हैं, बहुत सारे संत आ रहे हैं संत दास जी का दर्शन करने के लिए। और जैसे आए तो आकर क्या देखा, सामने बाबा चरण दबा रहे हैं, और जो बाबा चरण दबा रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, वो खुद ही संत दास जी हैं, जिनका दर्शन करने के लिए आए हैं वो खुद ही सेवा कर रहे हैं। लेकिन जैसे संत महात्मा आए तो इशारा कर दिया, चुप कर जाना, अभी बोलना मत, थोड़ी सेवा कर लेने दो, वरना आप बोल दोगे तो सेवा छूट जाएगी। बड़ा कौतुक देखकर नेत्र भर आए संतों के। बोले क्या सेवक है, क्या सेवा बाबा की, क्या दीनता, क्या हृदय है। बोले ऐसे संत है हमारे भारत के। तो अगर जगदेव जी उठकर बैठ गए, इतने संतों का दर्शन किया,
और पूछ बैठे, बोले महाराज अब तो बता दीजिए कि संत दास जी का दर्शन कब होगा। जो सामने संत खड़े थे बोले महाराज जो इतनी देर से आपके चरण दबा रहे हैं वही संत दास जी हैं जिनका दर्शन करने के लिए आप आए हैं। और इतनी बात सुनी यही संत दास जी हैं, रो पड़े और उठाया संत दास जी को हृदय से लगा लिया, बहुत रोए। बोले महाराज सुना था आपके बारे में पर आप जैसे संत का दर्शन करके मन कृतार्थ हो गया। बोले इतनी गुप्त सेवा। संत दास जी हाथ जोड़कर खड़े, बोले महाराज मैं तो कुछ भी नहीं हूं, आप तो बड़े परम सेवक हैं। बोले महाराज हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो जो लोग देकर जाते हैं उससे सेवा करते हैं और हमारे शिष्यगण हमारी बताई हुई सेवा को कर देते हैं, लेकिन यहां आकर मैंने देखा है आप तो खुद अपने आप सेवा करते हैं। मैं तो अपने आश्रितों से सेवा करवाता हूं उनके माध्यम से, लेकिन आपकी महिमा तो बड़ी अपरंपार है महाराज। लेकिन एक बात और कहूंगा, जगदेव जी हंस रहे हैं, चित्रकूट के संत हंस रहे हैं, लेकिन बाबा एक बात तो और विशिष्ट है आप में। बोले क्या? बोले आप तो सेवा में छल भी करना जानते हैं, ये हम में नहीं है, व्यंग कर रहे हैं। बोले आप तो सेवा में भी छल कर रहे हैं, छल से छिपा लिया अपने आप को और मेरी ही सेवा करते रहे। और व्यंग में ही संत दास जी महाराज कहते हैं, बोले महाराज होगा क्यों नहीं छल, हमारी सेवा में छल होगा। बोले क्यों? बोले आप रघुनाथ जी के मर्यादा पुरुषोत्तम रघुनाथ जी के सेवक हैं, वो हमारे राम जी सीधे साधे, और हम छलिया नंद नंदन के सेवक हैं, तो थोड़ा छल तो हमें आएगा ना, तो हमारी सेवा में भी छल आ गया। ये संतों का मिलन है, ये वृंदावन की महिमा है प्यारे, ये भक्त संतों की महिमा है। ये 5 दिन का सत्संग मिला है संत महिमा के लिए। बड़े भाव से आइए, बड़े भाव से बैठिए, और कल से जब आओ मैं 5:55 पर यहां बैठ जाऊंगा। देखो आपका धर्म बनता है कि मुझसे पहले आकर बैठो, और यही व्यासपीठ के प्रति परम सम्मान है अपना। बाकी जैसी आपकी व्यवस्था हो वैसा कीजिए, ठीक है। बाकी मैंने एक प्रार्थना और भी की थी, अगर हो सके तो प्रकृति का आनंद लो मेरी तरह। क्यों बंधन में? कथा तो आपको बंधन से मुक्त करने के लिए आई है, मैं तो आपको बंधनों से मुक्त करने के लिए आया हूं, और आप फिर बंधन में बंधे बैठे हो। क्यों? थोड़ा आनंद लो आकाश का, ये चलती ब्यारू जो भगवान का संदेश लेकर आ रही है, थोड़ा इसे बरसने दो, थोड़ा इसे आने दो, इसका आनंद आप भी लो। ये पंखे पंखे हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता, ये शोरी करेंगे।